टीकमगढ़ पुलिस ने राह चलते लोगों से लूट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों ने एक ही समय लूटें की थी। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आरोपियों को दबोच लिया। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देशी कट्टा, नकदी 14,400 रुपए बरामद किए गए हैं। तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, टाटा प्रोडक्ट। इसके अलावा फरियादियों के लूटे गए 3 पर्स और उनके रखे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल की चाबियां, 2 लूटे गए मोबाइल जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से रवि पिता पप्पू यादव निवासी खरोई थाना दिगौड़ा पर लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, चोरी जैसे गंभीर कुल 18 अपराध दर्ज हैं। जितेंद्र पिता कैलाश यादव निवासी बमहौरी नकीबन थाना बलदेवगढ़ पर 11 अपराध और सौरभ पिता देवेंद्र परिहार निवासी पहाड़ी बक्सी थाना पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी पर 6 अपराध दर्ज पाए गए हैं। लुटेरों ने टीकमगढ़ जिले के जतारा, बमोरी कला, बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र एवं मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश में लूटे की थी। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में जानकारी ले रही है। डिगंबर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 15 तारीख को सुबह कुछ आवेदकों ने पांडे जी चलो वहां से अंदर पांडे जी थानों में कि उनके साथ 14 तारीख को रात को लूट हुई है। मोटरसाइकिल से आए थे, रोका, गाड़ी आगे लगाई, चाबी उनकी निकाल ली और उनके पास जो था वो मांगने लगे। तो सबसे पहले एक घटना हुई मजना चौकी के अंतर्गत बड़रा पुलिया टीकमगढ़ पे। फिर दूसरी घटना जतारा में हुई, मचोरा तिराहा जतारा बाईपास पे। उसके बाद बमोरी कला में जबरेश्वर मंदिर खरगोपुरा तिराहे पर इन्होंने घटना की। फिर प्रतापपुरा तिराहे पर एक घटना हुई। फिर उसके बाद कनेरा पावर हाउस में के पास एक घटना हुई और एक घटना इन्होंने की मऊरानीपुर में अग्रसेन कॉलेज के पास। इसमें जो पहली घटना थी उसमें फरियादी जगदीश लोधी ने बताया उनसे 3 लड़के आए और उनकी अंगूठी, घड़ी, मोबाइल छीन लिए। दूसरी घटना जो हुई उसमें फरियादी पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि उनके भी पैसे छीने। इस प्रकार सभी में किसी से पैसे छीने और किसी से उनका मोबाइल ले लिया। तो इसमें पुलिस की टीम ने तत्काल एक्शन लिया। वैसे ही पता चला अपराध पंजीबद्ध किया, जिनके साथ लूट हुई थी लूट के अपराध पंजीबद्ध किया धारा 394 के अंतर्गत, और साथ में मारपीट हुई थी तो मारपीट की भी धारा लगाई गई। इसी प्रकार जिनके साथ अड़ीबाजी की तो अड़ीबाजी का अपराध पंजीबद्ध किया। इसमें हमारे SDOP साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई जिसमें थाना प्रभारी जतारा, थाना प्रभारी बलदेवगढ़, चौकी प्रभारी मजना, थाना प्रभारी बमोरी कला, थाना चौकी प्रभारी कनेरा और इनकी पूरी टीम ने 2 रात कंटिन्यूअसली लगकर इनको आरोपियों को घेर कर पकड़ा। इसमें 3 आरोपी हैं जिनके नाम है रवि पिता पप्पू यादव, जितेंद्र पिता कैलाश यादव और सौरभ पिता देवेंद्र अहिरवार। इनको पुलिस ने पकड़ा है। 60,000 रुपये की एक बाइक है, एक देसी कट्टा इनसे मिला है और लूटे 3 पर्स मिले हैं, आधार कार्ड मिले हैं, 2 लूटे मोबाइल मिले हैं और 14,000 रुपये कैश मिला है। तो इसमें पूरी टीम की सराहनीय कार्रवाई है इन्होंने की, बहुत ही जल्दी इसको जो लूटे हुई उसको खोला और जो आरोपियों को हम जल्द भेज रहे हैं। इसमें थाना प्रभारी जतार अरविंद डांगी, थाना प्रभारी बमोरी कला नितेश जैन, उप निरीक्षक मयंक राम सेवक झा गौन बालक सर, और भी पहले घटना कर चुके हैं ऐसे चोरी की, ये इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। जैसे जो रवि यादव है उसके विरुद्ध लूट डकैती आर्म्स एक्ट के अंतर्गत लगभग 18 अपराध हैं और जितेंद्र जो है उसके विरुद्ध 11 अपराध है, सौरभ के विरुद्ध 6 अपराध है। इनके पूर्व में कार्रवाइयां भी की गई है और पुलिस ने अभी इनको जल्दी पकड़ा है और अच्छी कार्रवाई की है। सर आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया गया? 5 घटनाएं यहाँ टीकमगढ़ जिले में हुई और 1 घटना मऊरानीपुर में हुई। 4 घटनाओं में तो उनके पैसे लूटे गए। टीकमगढ़ से अंजलि जैन, सागर टीवी न्यूज। तनिष्क प्रेजेंट्स द बेस्ट कॉम्बो ऑफर एवर। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर
25% तक की छूट और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू। तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट।